कांचीपुर में एक विवाहिता से बेटा पैदा न होने पर पति ने दूसरा निकाह कर लिया, जिसके बाद पति ने पहली पत्नी को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़ित के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि कांचीपुर के अली खान निवासी रशीदा का निकाह जाकिर हुसैन के साथ हुआ था। शादी के बाद रशीदा की 4 बेटियाँ पैदा हुईं, लेकिन ससुराल पक्ष द्वारा बेटा पैदा करने की लगातार मांग की जा रही थी, जिसके चलते ससुरालियों द्वारा रशीदा को प्रताड़ित और दहेज के लिए ताने दिए जा रहे थे। इतना ही नहीं, बेटे की चाहत के लिए जाकिर हुसैन ने एक पत्नी होने के बाद पड़ोस की एक युक्ति से निकाह कर लिया, जिसकी जानकारी पहली पत्नी को तब पता चली जब उसका पति निकाह के बाद अपनी दूसरी पत्नी को घर ले आया, जिसके बाद पति ने महिला पर सौतन के साथ रहने का दबाव बनाया, लेकिन रशीदा का कहन द्वारा सौतन के साथ रहने से मना किया तो उसके पति ने उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया, जिसके बाद महिला ने अपने पति के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कांचीपुर सीओ मनोज ठाकुर ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, कल कांचीपुर कोतवाली में तहरीर प्राप्त हुई है कि अली खान निवासी रशीदा जो है वाइफ ऑफ जाकिर, इसने तहरीर दी है कि इसके पति द्वारा इसे 3 तलाक दिया गया है और उसके द्वारा जो है दूसरी शादी कर ली गई है। जब उसके द्वारा विरोध किया गया तभी इसने 3 तलाक दिया है। तो इस प्रकरण पे कांचीपुर कोतवाली में 498A और महिला मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।